हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक नया डिज़ाइन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और उससे पहले ये मैंने स्वेटर बना लिया है, आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने 100 स्टिचेस डाले हुए हैं नीचे से, यानी 100 फंदे, और मैंने इसको 3 अंगुल तक बुन लिया है। ये मीडियम साइज का स्वेटर है। और फिर मैंने 15 फंदे इसमें ऊपर बढ़ा लिए हैं, तो अब ये टोटल मिला के 115 फंदे हो जाते हैं ऊपर। और फिर मैंने ये यहाँ तक, ये देखिए, 1 2, ये मैंने 2.5 पित्ते का पहले बुन लिया था। फिर इसमें मैंने 1 फंदा यहाँ से गले के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद 2-3 सलाइयाँ बुनने के बाद, कम से कम 4 सलाइयाँ बुनने के बाद, फिर ये मैंने कंधे छोड़े थे। और इस तरह से ये मैंने फुल स्वेटर बनाया हुआ है। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसका डिज़ाइन बनाकर बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू। ये देखिए, ये इस स्वेटर का बैक साइड है। मैंने अपने पिछले वीडियो में एक स्वेटर का डिज़ाइन बताया था, तो उसमें मुझे कई कमेंट्स आए थे कि मुझे बैक साइड से बताऊं। तो ये बैक साइड से भी मैंने सेम फंदे डाले हैं, और ऊपर भी इतने ही फंदे बढ़ाए हैं 15, और ये भी, इसमें कुछ घटाना नहीं है, इसमें खाली कंधे ही घटाने हैं। और ये यहाँ इस स्वेटर में मैंने गले पे ये बीचों बीच फंदे छोड़े हुए हैं, और फिर 5 सलाइयाँ ऊपर के लिए बुन दी है मैंने। ये देखिए, मैंने इसमें 30 फंदे इधर कंधे में छोड़े हुए थे, 30 फंदे इधर कंधे में छोड़े हुए थे, और ये 55 फंदे गले के लिए छोड़ दिए थे, यानी घटा दिए थे मैंने इस सिलाई में। और फिर ये यहाँ से 4 सिलाइयाँ बुन ली थी। ज़्यादा बुनने से ये हमारा गला पीछे का ज़्यादा शॉर्ट हो जाएगा, नीचा बैठेगा, जो कि पहनने में अच्छा नहीं दिखेगा। तो आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए और लाइक भी कीजिए। अगर आप लोगों को कुछ डिजाइन वगैरह भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।